दिवाली पर खूब जले पटाखे, क्या पटाखे जलाने वालों को हो गई जेल? आखिर कहां से आए पटाखे, क्या धुएं में उड़ गया एससी का आदेश? नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस बार दिवाली में उन नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी जिन नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और पटाखों पर बैन लगाया था, क्योंकि इस दिवाली पर खूब पटाखे जलाए गए, खूब आतिशबाजी हुई और धुएं में एससी का आदेश उड़ते हुए नजर आया। क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले इस बार भी नहीं माने, दिवाली की रात कई इलाकों में लोग इकट्ठा हुए और जमकर पटाखे फोड़े गए। नतीजा ये रहा कि हवा में प्रदूषण का जहर घुला और हवा दमघोटू हो गई, जिसकी तस्वीर इस बात का सबूत है कि हमारे देश में कोर्ट और सरकार का आदेश कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट सरकारों को प्रदूषण को लेकर फटकार भी लगाता है, आदेश भी देता है, पर क्या उन आदेशों का पालन होता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, लेकिन सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं। क्योंकि दिल्ली में तो पटाखों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने कई टीमों को तैनात किया था, और तो और सरकार ने पटाखे बैन ही नहीं बल्कि सजा का प्रावधान भी रखा। लेकिन सवाल ये भी कि सरकार के प्लान पर पूरी तरह पानी क्यों फिर गया? पटाखे फोड़ने पर तो 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। कहीं कहीं दिवाली से पहले पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी तो जाती है, पर दिवाली की रात पटाखों का शोर इन सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ा देता है। और फिर खड़े होते हैं वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए, जो श्रेष्ठ भारत हमेशा से पूछता आया है, आखिर क्यों सजा के प्रावधान के बाद भी पटाखे जले? पुलिस ने पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार का प्लान पटाखों पर फेल क्यों रहा? सरकार की टीमों ने जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं किया? ये ऐसे सवाल हैं जो सत्ता की गद्दी पर विराजमान कुछ लोगों से पूछे जाने चाहिए। खैर, सरकार में बैठे लोग इसका जवाब कभी नहीं देते, लेकिन इस सभी सवालों के जवाब श्रेष्ठ भारत आपको देने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। अब दिवाली पर हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती है जो कई बड़े सवालों को जन्म देती है। अब एक एक करके हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे। सवाल ये कि आखिर सजा के प्रावधान के बाद भी पटाखे क्यों जले? तो इसका जवाब है कि लोगों को पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आया, क्योंकि जो टीमें पटाखे जलाने को लेकर निगरानी के लिए बनाई गई थी वो कहीं नजर नहीं आई। नतीजा ये रहा कि पटाखों की आवाज पूरी रात सुनाई देती रही। सवाल ये कि आखिर पुलिस ने पटाखे जलाने वालों पर क्या कार्रवाई की? तो जवाब ये कि खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 3 गिरफ्तारियां की गई और बताया गया कि पुलिस पटाखे जलाने को लेकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सच तो ये था कि गली गली पटाखे जलाए जा रहे थे और वो टीमें पूरी तरह खामोश थीं जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि तस्वीरें इस बात का सबूत है कि पटाखे जलाए जा रहे थे और कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। सवाल ये भी कि सरकार का प्लान पटाखों को लेकर क्यों फेल रहा? तो जवाब है कि सरकार पूरे साल कोई प्लान नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से धाराशायी हो जाते हैं ये बताने की हमें आपको जरूरत नहीं। सवाल ये कि सरकार की टीमों ने जिम्मेदारी के साथ काम क्यों नहीं किया? तो जवाब है कि जो टीमें बनाई जाती हैं उन टीमों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती। नतीजा ये रहता है कि टीम अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करती है, जिसका नतीजा आपके सामने ही है। तो इन सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे, लेकिन कई और ऐसे जवाब हैं जो सत्ता पर बैठे उन लोगों से लेने चाहिए जिसका जवाब कभी नहीं मिलता। क्योंकि सवाल ये भी कि आखिर पटाखे बैन थे तो कहां से आ गए? आखिर कितने पटाखे पुलिस ने बरामद किए? अब तक कितनी कार्रवाई की गई? कितनों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया? पटाखे जलाने वालों पर कितनी एफआईआर हुई, जिसका जवाब ना तो उन अधिकारियों के पास है जो जवाबदेही के लिए कुर्सी पर बिठाए गए हैं, और ना उनके पास जो सत्ता पर विराजमान हैं। लेकिन हाँ, हम सवाल पूछेंगे जिसका जवाब सत्ता से लेकर उन अधिकारियों को देना होगा जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है। और अगर इन सवालों का जवाब जिम्मेदार पद पर बैठे लोग नहीं देते तो उन्हें उन पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो उन्हें जिम्मेदार बनाता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।